शहीद किसान साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लखीमपुर के शहीद किसान साथी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। लखीमपुर के शहीद किसान साथी अमर रहे। शांतिपूर्वक तरीके से नारेबाजी करते हुए जा रहे थे, पीछे से उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई और हमारे किसानों को कुचल दिया गया। वहां पर एक पत्रकार साथी भी था जो इस पूरे विरोध प्रदर्शन को कवरेज कर रहा था। उस पत्रकार को भी इन्होंने उसकी हत्या की, हमारे किसानों की हत्या की। और सारे तथ्य सामने हैं, जब तक ओरिजिनल वीडियो नहीं आया था तब तक ये लोग लगे हुए थे। किसी तरह किसानों को ये बदनाम कर रहे थे कि किसानों ने गाड़ी के ऊपर पत्थरबाजी की, डंडे मारे। बचाव में जब गाड़ी लेकर के मंत्री का बेटा भाग रहा था तब किसान एक हादसा हुआ, गलती से कुचले गए, ये देशद्रोही थे, ये खालिस्तानी थे, ये तमाम बातें हो रही थी। आज जब सारे तथ्य सामने आ चुके हैं तब भी मोदी व योगी की हुकूमत उस मंत्री व उस बेटे को बचाने में लगी हुई है। जब पुलिस कस्टडी में उससे सवाल किए जाते हैं तो वकील उसके साथ रहते हैं। बड़ा ये निंद्रिय काम है। आज अंतिम अरदास संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर में रखी थी, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश व पूरे देश से हजारों किसान उसमें शामिल हुए। वहाँ किसान साथियों को श्रद्धांजलि दी व एक संकल्प लिया कि हम संघर्ष को और मजबूत करेंगे। जब तक मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाता, जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलती, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। जब तक तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं होते, MSP की गारंटी कानून नहीं बनता, तब तक हम इस आंदोलन को जोरदार तरीके से लड़ेंगे। और घटना घटी है, हमारे चार किसान साथियों को और एक पत्रकार को एक मंत्री की गाड़ी, उसके बेटे और भी उनके साथ इस तरह से गाड़ियाँ चढ़ाई गई और उनको मौत के घाट उतारा गया, एक निंदनीय है। पूरे देश के अंदर आज सभी जगह सभाएं हो रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, क्योंकि ये RSS की BJP की सरकार जिस दिन से आई है सत्ता के अंदर, उस दिन से किसान और मजदूर, कर्मचारी, सभी लोग इससे परेशान हैं और अपनी मनमर्जी करने में तुली हुई है। तो उन किसानों को आप श्रद्धांजलि देते हुए आपने 2 मिनट का मौन रखा। पूरे देश के अंदर आज आयोजन हो रहे हैं, हम इस घटना की, इस कार्यक्रम से निंदा करते हैं और दोषियों को अभी तक उसके बेटे को गिरफ्तार नहीं किया गया है, मंत्री को तो गिरफ्तार किया है।